हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। बिहार में चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है, मोदी किसके, इसको लेकर एनडीए के धड़ों में होड़ मची है। बीजेपी और जेडीयू के लिए मोदी स्वाभाविक रूप से उनके नेता है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी मोदी नाम की माला जप रही है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में हर हर मोदी का नारा लगा था, इस बार एनडीए से जुड़े सभी दल हर हर मोदी की जगह हमरे मोदी का मंत्र जाप रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को तो मोदी में राम दिख रहे हैं, जो उनके दिल में बसे हुए हैं। राजनीति का ऐसा रामायणवादी संस्करण घर का भेदी लंका ढाई वाली राजनीति के युग में अद्भुत है। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। उधर बीजेपी इस दिल वाले रिश्ते से परेशान है। बीजेपी नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ चार पार्टियां हैं, बीजेपी, नीतीश कुमार का जेडीयू, गीता नाम मांझी वाला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एचएएम और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी। लेकिन बिहार में एनडीए से बाहर जा चुकी चिराग पासवान वाली एलजेपी को मोदी की तस्वीर तक लगाने का कोई हक नहीं है। दरअसल बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की संभावना तलाश रही हो, लेकिन नतीजे आने से पहले नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ऐसे में बीजेपी के लिए मोदी राम है तो नीतीश लक्ष्मण से कम नहीं। जो कुछ लोग लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता जो तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं, कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, एनडीए गठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नीतीश कुमार की जगह अपने ही किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि नीतीश की सेना चिराग पर भारी है और इसीलिए चिराग पासवान को वोट कटवा बताया जा रहा है। चिराग पासवान भले ही खुद को हनुमान बता रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की नज़र में वो विभीषण जैसा काम कर रहे हैं। चिराग जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर सीधे सीधे पंगा ले रहे हैं। चिराग इन अटकलबाजियों को हवा दे रहे हैं कि बीजेपी का परोक्ष समर्थन उन्हें हासिल है और नतीजे अनुकूल आए तो बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार भी बना सकते हैं, इसलिए भी वो मोदी का नाम जोर शोर से ले रहे हैं। वैसे चिराग पासवान की राजनीतिक मजबूरी भी प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं। चिराग यह बात जानते हैं कि मोदी का नाम राम सेतु का काम कर सकता है और वोटरों के दिल तक उनकी बात पहुंचा सकता है। चिराग यह भी समझ रहे हैं कि भले ही बीजेपी उन्हें कोस रही हो, लेकिन चिराग की रोशनी में चमकता हुआ कमल नतीजों के बाद बदले हालात में बीजेपी को भी अच्छा ही लगेगा। मोदी किसके, इसका जवाब मोदी ही 23 अक्टूबर की सासाराम रैली में दे सकते हैं। वहाँ नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए समर्थन जुटाने मोदी रैली करेंगे। सामने हैं चिराग पासवान की पार्टी से खड़े रामेश्वर चौरसिया, जो ताज़ा ताज़ा बीजेपी से आए हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी उम्मीद कर रही है कि सासाराम में ही साफ हो जाएगा कि मोदी किसके। इस चुनाव में पूरी तरह से लालटेन युग की समाप्ति का आह्वान बिहार की जनता ने किया है, इसलिए यहाँ बिहार में कोई दाल गलने की स्थिति न कांग्रेस की है, न राजद की है, न उनके सहयोगी दलों की है। बीजेपी भले ही पासवान को वोट कटवा कह रही हो, लेकिन नीतीश ये समझ रहे हैं कि अगर वोट कटवा का तीर चल गया तो नुकसान नीतीश को ही होगा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के राम ये साफ करें कि आखिर वो किसके हैं। नीतीश समझ रहे हैं कि चिराग भ्रम फैलाना चाहते हैं और बीजेपी इस भ्रम को बनाए रखने के फेर में है। उधर विपक्षी महागठबंधन इस सियासी रामायण में सत्ता पक्ष के लंका दहन की संभावना तलाश रहा है। कांग्रेस और लालू की पार्टी के नेताओं को लगता है कि मोदी किसके, मोदी हमरे का भ्रम बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में दरारें पैदा करेगा, वोट ट्रांसफर में फर्क पड़ेगा, जिसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। जमीन पे सबको पता चल गया है कि बीजेपी पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दो राजनीति कर रही है और बिहार को दोहरे चरित्र की राजनीति, दोहरे चाल की राजनीति, दोहरे चेहरे की राजनीति, जिसको ये कहते हैं चाल चरित्र चेहरा, ये तीनों में दो दो आ गया है। दो चाल, दो चरित्र, दो चेहरा, वो बिहार को जचता नहीं। कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम,
ऐसा ही कुछ बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। यहां मोदी का नाम मोदी के काम से बड़ा हो गया लगता है, या फिर मोदी के काम से मोदी का नाम जपने का फॉर्मूला निकला है। सब कुछ 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव में आतंकवादियों के एंट्री के बाद अब फिर जिन्ना की एंट्री भी हो चुकी है। चुनावी घमासान के बीच नेता हर मुद्दे को आजमा रहे हैं। कोई दल और कोई जाति का कार्ड है किसी के पास, तो किसी के लिए बेरोजगारी और पलायन मुद्दा है। लेकिन इन सब के बीच अब धर्म का कार्ड सबसे तेजी से चलाया जा रहा है, और इससे पहले भी चुनाव में जातिगत समीकरण को तोड़ने के लिए धर्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। महान प्रदेश बिहार और एकर महान जनता के हम प्रणाम करता ने बिहार की चुनावी जंग में जहां एलजेपी के पास रामविलास पासवान की विरासत का ताज है। मुझे ना प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें दिखाने की जरूरत है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मिशन पर मैं निकला हूं। वहीं आरजेडी को सत्ता विरोधी लहर की आस है। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन शह और मात के स्केल में दांव पर नीतीश कुमार की ही साख है। 15 साल से हम लोगों को काम करने का मौका मिला और हम लोगों के पहले पति पत्नी राज था, तो क्या कर रहे थे लोग, क्या स्थिति थी। कानून का राज नहीं था, विकास का कोई काम नहीं हो रहा था। दरअसल बिहार चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर नीतीश कुमार को ही अपना चेहरा बनाया है। वहीं एनडीए से अलग हुई एलजेपी के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा बन चुका है, और यही वजह है कि बिहार की इस महाभारत में 8 साल के याराने ने सत्ता की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया है। आपका लड़ाई बीजेपी कैंडिडेट से होगा? नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई राघोपुर में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, जो इस तरह के जो कुकर्म किए जाते हैं, उसको एक सफल प्रयास देकर राघोपुर को फर्स्ट बनाने की मेरी लड़ाई है। पिछले 8 साल में ये दूसरा मौका है जब बीजेपी एलजेपी के बिना ही बिहार चुनाव में उतरी है, और इसीलिए चिराग पासवान के लिए जहां ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है, वहीं इसके नतीजे आरजेडी के लिए एक मौका और नई आस बन गया है। यहाँ 15 साल में इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, भुखमरी नहीं हटाई, बेरोजगारी नहीं हटाई, पलायन नहीं रोका, और जब मुसीबत के घड़ी में अपने भाई मजदूर जब फंसे हुए थे तो इन्होंने मुंह जो है वो फेरने का काम किया। बिहार का चुनावी इतिहास गवाह है कि यहाँ पिछले करीब 3 दशकों में निम्न पिछड़ी जातियों को गोलबंद करके चुनाव लड़े गए हैं, और चुनाव में जातियों के गढ़ को डहाने के लिए धर्म के हथियार भी खूब चले हैं। लेकिन इस बार मुद्दे भी चुनावी फजा में गूंज रहे हैं। बिहार में इस बार धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दल बेरोजगारी और विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। कारखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कारखाना लगेगा तो बिहार के लोग बाहर जाएगा। अब पहले जब हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे लड़की साइकिल पर जाएगी उसको लोग बेइज्जत करेगा। हमने कहा कोई किसी को बेइज्जत नहीं करेगा, हर घर की लड़की को साइकिल योजना का लाभ दिला रहे हैं। और किस तरह से लड़कियों में आत्मसम्मान का भाव आया, उनके मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ, और उसके बाद तो जगह जगह हम जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना हम लोगों ने शुरू करा दी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकते, बिहार को लेकर के विशेष राज्य का दर्जा कहां गया, विशेष पैकेज वो कहां गया, तो ये जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर डबल इंजन की सरकार है तो हमको फायदा क्या होगा। यहां तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुसीबत के घड़ी हाथ फेर देते हैं, मुंह फेर देते हैं,
लैंडलॉक स्टेट का बहाना देते हैं, समुन्द्र नहीं होने का बहाना देते हैं, संसाधने नहीं होने का बहाना देते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है अगर 15 साल से आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो? बिहार में चुनाव में राम मंदिर, धारा 370, CAA, NRC, सुशांत सिंह राजपूत, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे बौने नजर आ रहे हैं। फिलहाल NDA केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ नीतीश कुमार के सुशासन और विकास को भुनाने की कोशिश में नजर आ रही है। पिछले 15 साल में बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के लिए किए गए काम NDA के लिए चुनावी मुद्दा है। वहीं मोदी सरकार का बिहार को 20 लाख करोड़ का पैकेज भी चुनावों में गूंज रहा है। उधर विरोधी चुनाव में कोरोना महामारी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उछाल रहे हैं। RJD का दावा है कि गरीबों के सामाजिक विकास के बाद अब उनकी पार्टी गरीबों का आर्थिक विकास करेगी। तेजस्वी यादव ने BPL मुक्त बिहार और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। अभी तक के चुनाव प्रचार और वार पलटवार से जाहिर है कि बिहार चुनाव में विकास, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी और कोरोना के अलावा किसानों के मुद्दे ही गूंज रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में तेजी के साथ ही अब धर्म की धमक भी सुनाई पड़ने लगी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चुनावी सभा में कहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर से जिन आतंकवादियों का हम सफाया कर रहे हैं वो बिहार की धरती पर पनाह ले लेंगे। राय ने कहा कि विपक्ष सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों और पाकिस्तान से भी समझौता कर सकती है। नित्यानंद के इस भाषण पर विरोधी खेमे ने भी फौरन ही ताल ठोक दी है। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार RJD की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आपके बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों। अभी तक तो 15 वर्षों तक इन्होंने राज किया, हमारे 15 वर्षों का भय दिखा करके लालू प्रसाद जी के परिवार का, लालू प्रसाद जी का। अब देख रही है जनता इनको मौका देगी नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, तो अब आतंकवादी का भय दिखाकर वोट लेना चाह रहे हैं। हम तो कहना चाहेंगे BJP के बड़े नेताओं से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि कैसे माननीय मंत्री बना करके आप रखे हुए हैं ऐसे लोगों को जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने पर उतारू हैं। मोदी जी ने शिलान्यास किया, अब भव्य राम मंदिर वहां पर बनेगा, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, भव्य राम मंदिर। बिहार चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी को हथियार बनाया तो सत्ता पक्ष ने विकास दिखाकर इस पर पलटवार किया। लेकिन अब BJP चुनाव में कश्मीरी आतंकवादी से लेकर जिन्ना तक की एंट्री करा चुकी है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन RJD जो महागठबंधन है ये भी जिन्ना के साथ, पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? दरभंगा की जाले सीट से कांग्रेस ने मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे उस्मानी पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप लगाते हुए BJP अब इस मुद्दे पर चुनाव में हमलावर हो गई है। कांग्रेस और RJD को भी इस बात का डर सता रहा है कि BJP इसी बहाने कहीं मिथिला में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न कराते। जाहिर है बिहार चुनाव में कश्मीरी आतंकवादी और जिन्ना मुद्दे की वापसी के साथ BJP अपने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार कर रही है, जिनकी 20 अक्टूबर से बिहार चुनाव में एंट्री होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ UP से सटे कैमूर, अरवल और रोहतास में रैली करके बिहार में प्रचार की शुरुआत करेंगे। योगी आदित्यनाथ देश भर में हिंदुत्व के ब्रांड माने जाते हैं और BJP ने इसी फॉर्मूले पर उनकी चुनावी सभाएं तय की हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे उग्र हिंदुत्ववादी नेता की रही है कि वो उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। उनके कपड़े और हाव भाव हिंदुत्ववादी समर्थकों को बेहद आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि बिहार चुनाव में BJP योगी के लिए पहले से हिंदुत्व की पिच तैयार कर रही है। जिन्ना मामले में आप ही को क्यों लपेटा गया, आप ही का नाम क्यों उछाला गया? मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था,
ठीक है, तो उनके उनको लगा के इसी को लपेटो, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। उनको मालूम चल गया चूंकि हमने खुलेआम चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर जी को, कोई जवाब नहीं आया, मेरा टेन्योर भी खत्म हो गया, 10 दिन बचे थे मेरे टेन्योर में। फिर उसके बाद मैं मुख्यधारा की राजनीति में आ गया। अब आप वीसी ऑफिस से पूछे कि क्या जवाब आया, मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब दिया होगा, क्योंकि आज तक मेरे किसी पत्र का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और होम मिनिस्टर जी ने कभी दिया ही नहीं। आप उसमें नहीं थे लेकिन उसमें क्या हम कहीं थे ही नहीं, ठीक है, वो एक फंसाया गया जी, आपको साजिशन कोई फंसाया नहीं गया, एक झूठ मूठ का विवाद खड़ा किया गया जिससे कोई लेना देना नहीं था। दरअसल बिहार के चुनाव में भले ही मुद्दा कोई भी हो, लेकिन आखिर में जाति की राजनीति बड़ी हो जाती है। चुनाव के आखिरी दिन विकास पर जाति का समीकरण हमेशा भारी पड़ता है। यही वजह है कि पार्टियां जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती हैं। बिहार में जाति के समीकरण को देखें तो अगड़ी जातियों में 5% ब्राह्मण, 4% भूमिहार और 4% राजपूत के अलावा 1.5% कायस्थ हैं। वहीं पिछड़ी जातियों में 14% यादव, 6% कोयरी, 4% कुर्मी और 7% बनिया जाति के लोग हैं। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियां 21%, अनुसूचित जाति 16% और मुसलमान 17% हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में 1977 तक दबदबा रखने वाले सवर्णों की जगह आज दलित और पिछड़ी जातियों ने ले ली है। बिहार की राजनीति अब दलित और पिछड़ों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। 1990 में लालू प्रसाद यादव के बिहार का मुख्यमंत्री बनने से लेकर अभी तक राज्य में पिछड़ी जाति या ओबीसी समुदाय से ही मुख्यमंत्री है। इसीलिए बिहार के मौजूदा चुनाव में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जाति के समीकरण को तोड़ने के लिए क्या सांप्रदायिक कार्ड भी चलेगा।